लगभग पूरा भारतवर्ष इस वक्त अयोध्या में है। भजन सम्राट अनूप जलोटा भी इस वक्त अयोध्या में है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अयोध्या की तस्वीर बदल के रख दी है। अयोध्या एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। सुनिए, बाल स्वरूप आपने देखा रामलला का? जी जी, पांच वर्ष के बाद शब्दों में शायद विवरण नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, क्या भाव उनको देखे? बस ये दिल में उतरना पड़ेगा समझने के लिए। अगर दो शब्द आप उस बाल स्वरूप को लेकर गा दें। कुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को लेकर कितनी तैयारी, क्या? मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे भी उसमें आमंत्रित किया है। और बस हमारे मोदी जी योगी जी बने रहे, देश देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अच्छा, अवध में विकास और विरासत दोनों के रंग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विकास तो चाहिए लेकिन हमारे संस्कारों के साथ चाहिए, परंपराओं के साथ चाहिए, और वही हो रहा है, हमें इसकी बड़ी खुशी। बहुत बहुत शुक्रिया भजन सम्राट। हमारे साथ अनूप जलोटा जी मौजूद थे, जिन्होंने 22 जनवरी को लेकर राम लला के आगमन को लेकर अपने भाव प्रकट किए हैं न्यूज 18 इंडिया पर। तो अनूप जलोटा को आपने सुना, लेकिन अब हम आपको शिमला की तस्वीरें दिखाते हैं। पहाड़ियों में भी ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्साह कम नहीं है। वहां पर जोश पूरा है शिमला में, माल रोड पर किस तरीके से लोगों ने यहाँ उत्सव मनाया है प्राण प्रतिष्ठा का। झूमे हैं, नाचे हैं राम धुन पर, और सिर्फ न केवल लोग, आम लोग, बल्कि कुछ कलाकार भी पहुंचे, वो भी थिरकते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए नजर आए। देखिए जरा, देखिए अयोध्या भाईचारे का भी संदेश दे रहा है। एक शख्स जो है मुस्लिम समाज से वो आते हैं, मिर्जापुर के रहने वाले हैं, काफी चर्चित हैं, और चर्चा इसलिए है उनकी क्योंकि वो रोजाना रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और इतने उत्साहित हैं 22 जनवरी को लेकर कि हर कोई उन्हें दिल्ली और मुंबई से भी अब बुला रहा है। तो देखिए कि किस तरीके से रामचरितमानस का वो पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इनका नाम है मोहम्मद इस्लाम, और जब इनसे ये भाव पूछा गया कि 22 जनवरी को लेकर वो कितने उत्साहित हैं, तो उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को लेकर उन्होंने भी तैयारी की है, काफी जोश उमंग जो है उनके मन में भी नजर आ रहा है। तो देखिए, ये मोहम्मद इस्लाम है, मिर्जापुर के रहने वाले हैं, और देखिए कितनी खुशी इनके चेहरे पर भी। प्राण प्रतिष्ठा ऊपर हो गया, मैं मानस बोल रहा हूँ, रामायण बोलता हूँ, जो कि कलकत्ता में गए थे रामलला मानस बोलने, और लखनऊ भी गए थे, दिल्ली भी गए थे, भी बम्बई में गए थे, और ये मध्य प्रदेश गए थे अभी, और कई जगहों पर मतलब बुलाव होता है, मैं जाता हूँ। बिल्कुल, तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं। ये देखिए श्री राम जन्मभूमि के एंट्री गेट की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देखो आप किस तरीके से पूरे मंदिर के तमाम गेट्स को इसी तरीके से सुशोभित किया गया है। तो यही उमंग, तरंग, जोश जो है हर किसी के मन में नजर आ रही है, और खूबसूरती देखते ही बन रही है। तो आप सोचिए, इतना भव्य मंदिर बन रहा है, उस आर्किटेक्ट को आज कितनी उसकी भावनाएं निकल कर आ रही होंगी जिसने इसको बनाया है। आशीष सोमपुरा की हम बात कर रहे हैं, वो अयोध्या में हैं, अंदर भी गए, न्यूज 18 इंडिया ने उनसे खास बातचीत की कि उनका बनाया हुआ एक आर्किटेक्ट बनकर तैयार हो गया है, कैसा लग रहा है, भावुक हुए, सुनिए जरा। आपने जो देश को दिया है, गर्व है उसको, देश को आप पर,
कैसा लग रहा है कि आप ही का बनाया हुआ था, जरा यहाँ से आप ही का प्रेम आएगा जी, जी, कैसा लग रहा है कि बनकर तैयार हो गया, देश दुनिया के बड़े बड़े लोग आपको देखने आ रहे हैं। देखिए, किसी भी आर्किटेक्ट के लिए उसका क्रिएशन जो है वो रियलिटी बन जाता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है, और जब अप्रिशिएट होता है तो उससे भी बड़ी बात होती है। आपने अभी तक तो उसको पेंसिल से या कैसे बनाया होगा, आज अभी अंदर से ही आ रहे हैं, देख कर आ रहे हैं, मैं तो आपकी आंखें भी गीली देख रही हूँ, भाव आ रहा है कि मैं इतना सुंदर मैंने बना दिया राम का मंदिर। देखिए, यही बोल रहा था कि सर जैसे स्वामी जी आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं देख रही थी कि वो बड़ा आपको प्रेम दुलार दे रहे थे, आंखें क्यों नम नजर आ रही है मुझे? डेफिनेटली आशीर्वाद, इतने बड़े लोगों के आशीर्वाद मिलता है, ऑब्वियसली नम हो जाएंगी आंखें कि अपना आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। थैंक यू। और मैं ये देख रही हूँ आप अंदर गए, आपने मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम अपना काम देखते हैं, मैं अपना काम देखती हूँ टीवी पर देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा मैं ये काम कर रही हूँ, आप अपना काम देख कर आए कैसा लग रहा है कि ये इतना खूबसूरत मैंने ही बनाया है? डेफिनेटली वो तो डेफिनेटली होता है हम लोगों को कि ये जब हम लोगों ने पेंसिल पे निकाला, जब उसको ड्राइंग किया, तब ये नहीं सोचा कि जब ये बनेगा एक्चुअल में ज़्यादा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा आर्किटेक्चर नहीं होता है, सारे लोगों की भावनाएं होती है, जो सारे लोगों की भावनाएं मिलती है तो एक अच्छा आर्किटेक्चर। एक मिनट दीजिएगा, मैं परिचय और आपको अच्छे से करा दूं। इनको ध्यान से देख लीजिए, ये न्यूज 18 इंडिया पर भी जब हमारा अभी एक शो हुआ था आए थे, इन्होंने बड़े अच्छे से बताया, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कल्पना से परे इस मंदिर को बनाकर रख दिया है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही बना है, देखकर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब 22 तारीख को यहाँ उपस्थित रहने वाले प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, पूरे देश में इस वक्त उत्सव सा माहौल नजर आ रहा है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, वाराणसी सूरत से आई अद्भुत तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राम लहर जो है अब देश के कोने कोने में पहुंच रही है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए कि साड़ी में किस तरीके से रामचरितमानस के प्रसंगों को अंकित किया गया है, ये पूरी साड़ी देखिए कितनी खूबसूरत भव्य नजर आ रही है, बालकांड के भी तमाम प्रसंग हैं जो इसमें उकेरे गए हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से एक सैंड आर्टिस्ट ने बेहद अलौकिक और बहुत ही बढ़िया आर्ट जो है वो राम प्रभु श्री राम के लिए अर्पित किया है, तो हर कोई जो है सुनिश्चित करना चाहता है कि उनकी भी भागीदारी प्राण प्रतिष्ठा में हो। तीसरी तस्वीर हम सूरत से आपको दिखा रहे हैं, सूरत के जो डायमंड कारोबारी है उन्होंने प्रभु श्री राम की एक मूर्त बनाई है, वो भी हीरों से जड़ी हुई। तो देखिए, देश के कोने कोने में सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, हर जगह जो है इस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है। तीन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसी गंगा बह रही है राम नाम की, जिसको जो मिल रहा है वो उसमें उड़ेल रहा है, भाव निकल निकल कर आ रहे हैं। एक तमिलनाडु के व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं जो स्केटिंग करते हुए तमिलनाडु से आ गया, रामेश्वरम से यहाँ तक 5000 किलोमीटर का सफर स्केटिंग करके ही तय कर लिया। सुनने में असंभव लग रहा है ना, ये बच्चा करके आया है, जरा सुनिए इसे।